हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल B1 क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3, ठीक है, और हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाके उसे चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ हमने बताया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है हमारा, ठीक है, n n प्लस वन, ठीक है, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में होता है 2n+1/6। पूरे के बटे क्या होता है? पूरे के बटे 6 होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन यहाँ 1 से लेकर के, ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ से 1 से लेके 11 तक की बात हम करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान देखिए, देखिए लगातार है, ठीक है, लगातार की बात किए हैं, ठीक है। अब इसी पे जो हमारा क्या है योगफल के लिए सूत्र जो बनता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए योगफल के लिए हमने सूत्र क्या बताया है, इसी सूत्र के आधार पर हम आपको सवाल बताएंगे। तो हमारा क्या है, एन एन प्लस वन, ठीक है, पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है 2n+1 पूरा के बटे 6 है, ठीक है। तो पूरा के बटे 6 है। अब इसी के फार्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन बताएंगे, और देखिए कितने अच्छे तरीके से बताएंगे, ताकि आप आज के बाद से आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए n जो है हमारा, यह संख्याओं की संख्या को बताता है, ठीक है। तो हमारा देखिए लास्ट में कहाँ तक पूछा है, 1 से लेकर के, और लगातार है 1 2 3 सभी का स्क्वायर, ठीक है, और कहाँ तक बात किया है, 11 तक, 1 से लेकर के 11 तक। तो देखिए लास्ट नंबर हमारा जो है क्या है, 11, ठीक है। यह संख्याओं की संख्या को बताता है, ठीक है। और देखिए इसी इसी के जगह हम क्या रख देंगे, 11, ठीक है। तो देखिए क्या रखेंगे, 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ n है, तो n क्या है, संख्याओं की, संख्याओं की संख्या क्या हमारा, 11, ठीक है। तो लिख देंगे 11 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए दूसरे कोष्टक में क्या है, 2, फार्मूला से तो 2 रख देंगे, ठीक है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई, और n संख्याओं की संख्या कहाँ तक पूछा है, 11 तक, तो 11 रख देंगे, अब प्लस 1, ठीक है, कोष्टक बंद। और देखिए पूरा के बटे क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखिए 11, और यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, आ 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। अब देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई, ठीक, 11 दूना 22, अब 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23, ठीक है। अब पूरा के बटे क्या कर देंगे, हम 6 कर देंगे। अब देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो यह 6 के 2 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 22 22 तिहाई 66, तो 22 तिहाई 66 को हो जाएगा 6, और हमारा हासिल 6 बचेगा, ठीक है। फिर 22 दूना 44, और 44 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी चाहें तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसी टाइप पर हम देखिए दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन यहाँ सारा आपको हमने विस्तार से बताया है। अब दूसरे क्वेश्चन में हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 1 का स्क्वायर, और देखिए लास्ट में कहां तक पूछा है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप कुछ न करिए, चाहिए तो हम एक बार आप फिर सूत्र लिख के बता दे रहे हैं कि योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, ठीक है।
आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या है, एन एन प्लस वन, और दूसरे कोष्टक में है टू एन प्लस वन बटे सिक्स, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में जो दिया है सात का स्क्वायर, ठीक है, तो इसी का क्या करेंगे हम, ऐसे लिख देंगे सात, और सात में एक जोड़ेंगे तो आठ, और ये चाहे तो सात और आठ जोड़ेंगे तो आठ सात 15 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन हमने पहले वाले पर सूत्र से बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, सात दिया है तो यहाँ सात हो गया, ठीक है, और सात में एक जोड़ेंगे तो आठ हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आठ सात 15 हो गया। यहां भी करके बता दे रहे हैं, देखिए सात है तो सात का मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो सात दूना 14, और 14 में एक जोड़ देंगे तो 15, ठीक है। तो आपको जब भी लगातार हो, देखिए वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, ठीक है, लगातार कहां तक है, सात तक, ठीक है, तो तुरंत आप कुछ ना करिए, सूत्र उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ठीक। आप डायरेक्ट करिए सात गुणे आठ, और आठ सात जोड़ के 15, ठीक है, और पूरा के बटे का कर दीजिए सिक्स, ठीक है। अब देखिए दो तिहाई 6 और दो चौक को 8, ठीक। अब देखिए थ्री वन जा थ्री, और थ्री तीन पचे 15, तीन एक कन्ने तीन और तीन पचे 15, ठीक है। अब देखिए आपस में हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो देखिए चार पचे 20, ठीक है, आप 20 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 20 सते हो जाएगा 140, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि देखेंगे क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वन का स्क्वायर, ठीक है, टू का स्क्वायर, यहां देखिए थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। अब देखिए थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, प्लस फाइव का स्क्वायर, लास्ट तक कहां तक है, 23 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप हम बता दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, यहां सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है 23, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, योगफल, ठीक है, योगफल हो गया, ठीक है, और जो है कि योगफल हो गया। अब योगफल के बाद हमारा क्या होगा, देखिए लास्ट में 23 है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो समझाया था, क्या लिख देंगे 23, और 23 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो गया 24, और 23 और 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चार में तीन जोड़ेंगे तो सात, और दो दो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और पूरा के बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस एक ही बात ध्यान रखना है कि संख्याएं लगातार हो, और सबका स्क्वायर अगर कर रहा है तो 1 से लेकर 23 तक पूछ रहा है, तो करिए 23, और 23 में एक जोड़ दीजिए 24, और इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, जैसे देखिए 4 और 3 क्या हो गया, 7, ठीक है, और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, तो क्या हो गया 47, और पूरा के बटे 6, ये बात आपको ध्यान रखना। अब देखिए दो तिहाई 6, दो एकम 2, और दो दूना 4, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 एकम 3, और हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 चौक को 12, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। देखिए एक बार और हम बता दे रहे हैं, देखिए जैसे 24 है तो 2 तिहाई 6, और 2 एकम 2, और 2 दूना 4, 12 बार में कट गया, देखिए अब 3 बचा तो 3 एकम 3, और 3 चौक को 12, ठीक है। अब देखिए 23 गुणे 4 अगुणे 47 करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 2 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है।
आप भी चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या देखिए, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ठीक है, कहाँ तक दिया है, 20 के स्क्वायर तक। ठीक है, तो देखिए इसके पहले जो है कि हमारा कुछ संख्या क्या किया, नहीं दिया है, इस बात का ध्यान रखिए। क्या दिया था, बीच से दिया है, 15 से, यहाँ 1 से लेके 14 तक का जो है कि नहीं दिया। तो हम पहले निकालेंगे, जैसे अगर हम बता दे रहे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट डाला कितना तक, 14 का स्क्वायर, ठीक है, क्या 14 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए, तो पहले हम लेकर के 1 से लेकर के 20 तक निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बता रहे हैं, तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक लिख देंगे, 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 15 तक दिया है, 15 से पहले हमारा कौन सा संख्या आएगा, 14। ठीक है, तो पहले हम 1 से 20 तक निकालेंगे, फिर दूसरे में निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट करके कहाँ तक दे देंगे, 14, क्योंकि 15 के पहले 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हमारा एक सूत्र बनता है, क्या बनता है, सूत्र बनता है। ठीक, तो हम उस सूत्र को देखेंगे। ठीक है, सूत्र हमारा बनता है योगफल के लिए, ये देखेंगे। ठीक है, क्या बनता है, n n प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे 6। ठीक है, अब देखिए पहले तो 1 से 20 तक निकालेंगे, और बीच में जो है देखिए 1 से 14 तक नहीं दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरे कोष्टक में निकालेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह हमसे छूट गया था, यह माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा n n+1, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2n+1 कोष्टक 1 बटे 6। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए n हमारा क्या है, देखिए n जो है संख्याओं की संख्या, तो पहले 1 से 20 तक, तो लास्ट संख्या हमारा क्या दिया है, 20। ठीक है, तो यहां रख देंगे 20, अब 20 +1, ठीक है, n है, तो लास्ट संख्या हमारा संख्याओं की संख्या कितना है, 20, तो n की जगह क्या रख देंगे, 20 +1। ठीक है, अब देखिए दूसरे कोष्टक में क्या दिया है, 2n, n जो है संख्याओं की संख्या कितना दिया है, 20, तो यहाँ 20 रख देंगे +1। ठीक है, कोष्टक बंद, पूरा के बटे क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 रख देंगे। अब देखिए माइनस, फिर यह क्या दिया है, 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह संख्याओं की संख्या लास्ट में कितना तक पूछा है, 14 तक, 1 स्क्वायर से लेकर के 14 तक। तो ठीक है, तो लास्ट में जो दिया है वही संख्याओं की संख्या कहाँ तक है, 14 तक, तो यन की जगह क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तीन यन संख्याओं की संख्या कितना दिया, 14, यहाँ 14 हो जाएगा +1। अब देखिए 2 × n संख्याओं की संख्या कितना दिया है, 14, तो × 14 अब +1। ठीक है, अब पूरा के बटे क्या हो गया, 6। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब देखिए क्या हो गया, 20, अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 21, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे, गुणा। ठीक है, ठीक, अब 20 × 2 = 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 बटे क्या हो गया, 6। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अब क्या लिखेंगे, 14,
14 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 14 दूना 28, 28 में एक जोड़ेंगे तो 29, ठीक है, बटे 6, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो दूध तिहाई 6, ठीक है, और दूध आहा में 20, 10 बार में कट गया। अब देखिए 3 से 3 एक कम 3 और 3 सते 21, 7 बार में कट गया, ठीक है। इसी तरह इसको भी काट लेंगे, दूध तिहाई 6 और 2 सते 14, और देखिए 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 सते 70, और 70 का जब हम 41 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2870, ठीक है। माइनस यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सते 35, अब 35 का मल्टीप्लाई जब 29 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1015, ठीक है। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो हम घटा के बता दे रहे हैं आपको, 10 यहाँ कुछ नहीं है तो यार एक हासिल ले लेगा, 10, 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, 6, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ बचा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, और यहाँ 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप भी चाहें तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करके और इसमें से इसको घटा के देख सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या आया है, 1855, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो जो है कि ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी पर हम देखिए 60 टिक में कैसे बता रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहां से लेकर के 9 का स्क्वायर, देखिए 20 से पूछा है, ठीक है, 9 का स्क्वायर से लेके कहां तक पूछा है, 43 का स्क्वायर था, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि पहले तो हमने विस्तार से पहले क्वेश्चन को समझा दिया है, लेकिन यहां देखिए, यहां जो दिया है 9 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, और संख्याएं लगातार, देखिए 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो कहां तक दिया है, 43 का। तो इसके पहले कुछ संख्या को क्या किया है, छोड़ दिया, तो कहां तक छोड़ा है, जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लास्ट तक कहां, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहले हम 1 से लेकर के 43 तक निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिखे लेंगे, फिर 1 से लेके 9 तक निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल लिख लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में लिख लेंगे 43 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए जो इसके पहले दिया होता हम उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, 9 के पहले जितनी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है, पहले 1 से 43 तक निकाल लेंगे और फिर 1 से लेके 8 तक निकाल लेंगे। तो ये घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बीच से दिया है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां क्या दिया है, 43, ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे 43 युगफल, युगफल, ठीक है, तो हो जाएगा लास्ट में 43, और 43 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 44, ठीक है। और देखिए 43 और 44 दोनों जोड़ दीजिए, 4 और 3 हो जाएगा 7, और 4 4 हो जाएगा 8, ठीक है, और पूरा के बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे,
ठीक है। अब देखिए एक से लेके आठ तक, तो लास्ट सारा संख्या देखिए, जो लास्ट में हमारा संख्या क्या दिया है, आठ दिया है, तो क्या लिखेंगे, आठ जैसे, और आठ में एक बढ़ा के लिख देंगे और चिन्ह गुणा कर रखेंगे, ध्यान रखिए आठ में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नौ, और गुणा का चिन्ह रखेंगे और नौ आठ जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 17, ठीक है, और पूरा के बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। देखिए दो तिहाई 6, और दो से दो दूना 4, और दो दूना 4, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए तीन बचा, तो तीन एक कम 3, और तीन दूना 6, यहां देखिए दो बचा, दो और सात मिलके 27 हो गया, तो 3 9 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए दो तिहाई, ये देखिए दो तिहाई 6 हो गया, और दो चौक को 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए तीन एक कम 3, और 3 3 9 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए 3 होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है, सॉरी। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हो जाएगा 2 7 4 3 4, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 2 0 4, ठीक है। अब इसको हम इसमें आपस में करके घटा लेंगे, ठीक है, तो घटाने के बाद हमारा आंसर आएगा 2 7 2 3 0, ठीक है। आप भी चाहें तो यहां करके घटा सकते हैं, ठीक है, देखिए बता भी दे रहे हैं, जैसे यहां है 2 0 4, ठीक है, चाहे तो आप माइनस कर लें, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 3, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब देखिए यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो 7 ऐसे हो जाए, और 2 यहाँ हो गया, ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए कहां तक, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, फिर 22, 70 का स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ 20 से लेकर के 70 तक, और देखिए संख्याएं लगातार किया है, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 के पहले क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 करके, तो मान लीजिए 20 के पहले क्या आएगा, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो 19 का स्क्वायर आ गया। तो फिर हम उसी टाइप से क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है, तो पहले 1 से लेके हम 70 तक निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 कहां तक कर देंगे, 70 का स्क्वायर तक, फिर जो संख्या 20 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 19, ठीक है, तो यहां देखिए माइनस करेंगे, और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे 19 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 20 से पहले हमारा 19 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां संख्या कितना दिया, 70, तो एक फल के लिए क्या करेंगे, ठीक है, करेंगे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप समझिए, जब भी इस तरह से दिया हो तो आप इसी तरह से कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई, 70 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 71, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो 70 70, 140, 140 में 1 जोड़ेंगे तो 141 हो गया, ठीक है, और पूरा के बटे क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 19 है, ठीक है, तो 19 और 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 मल्टीप्लाई लगाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, और गुणे 20 में 19 जोड़ेंगे तो 19 दूना 38,
एक बच गया तो 38 एक 39, ठीक है, बटे 6 हो गया। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, द्वितीयांश 6 या द्वितीयांश 6, एक बच गया, 2 बचे 10, ठीक है, कट गया। अब देखिए यहां कट गया, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 2 बचा तो 2 और 1 21 हो गया, ठीक है, तो 3 सते 21, ठीक है, ऐसे इसको काट लीजिए, द्वितीयांश 6 और 2 दहा में 20, ठीक। अब देखिए 3 से काट लीजिए, 1 हो गया और 3 3 की 9, ठीक है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, और इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या है, देखिए हो जाएगा 35 × 71 × 47 बटे, कुछ नहीं कट गया है, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 19 × 10 × 13, ठीक है। तो जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 116795, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2470, ठीक है। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 114325, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है, इसमें से इसको नीचे रख के आप माइनस कर लें तो इतना आएगा, ठीक है। तो यहां तक जो क्वेश्चन हमने बताया आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया, ठीक है, हमको विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।